हमीरपुर में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किए जाने की वजह से रेडी फेडी धारकों ने उपायुक्त कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन के दौरान सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर, अनिल मनकोटिया, रेडी फेड यूनियन के प्रधान ब्रह्मदास भी मौजूद रहे। उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और रेडी फेडी धारकों को बिना वजह तंग किए जाने के आरोप भी लगाए गए। वेंडिंग कमेटी का जब तक गठन नहीं किया जाता है ये धरने प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि रेडी फेडी धारक अपनी रेडी डीसी कार्यालय में आकर खड़ी कर देंगे अगर जल्द ही इनका गठन नहीं किया गया। हमीरपुर में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किए जाने की वजह से रेहड़ी फेड़ी धारकों ने डीसी कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सीटू के बैनर तले हुए धरना प्रदर्शन के दौरान सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर, अनिल मनकोटिया, रेहड़ी फेड़ी यूनियन प्रधान ब्रह्मदास भी मौजूद रहे। डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के दौरान प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और रेहड़ी धारकों को बिना वजह तंग करने का आरोप भी लगाया गया। रेहड़ी धारकों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया है कि जल्द टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया तो सभी रेहड़ी अपनी रेहड़ी डीसी कार्यालय में आकर खड़ी कर देंगे। सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज बिना टोकन की रेहड़ी लगाई जा रही है और बिना मतलब की कमीशन की उगाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि टाउन एंड बेडिंग कमेटी का गठन आज तक नहीं किया गया है जबकि वर्ष 2014 से इसका प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मासिक किराए की बढ़ोतरी की वजह से रेहड़ी फेड़ी दर परेशानी की दौर में है। उन्होंने कहा कि अभी तो रेहड़ी फेड़ी धारक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ तो रेहड़ी फेड़ी धारक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वास्तव में ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है 2014 में बना, इस एक्ट के तहत जो रेहड़ी फेड़ी में जो लोग स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन लोगों का लिवलीहुड, उन लोगों का जीवन कमाने का जो साधन है उसका रक्षा करने के लिए 2014 में संसद ने कानून बनाया। उस कानून के तहत एक टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन होना है और यहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी कागजों में है और उनके नुमाइंदे मनमर्जी से चुने जाते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखे जाते। सेक्शन 22 के तहत जो है 40% नुमाइंदे रेडी फड़ी वर्कर्स में से होंगे, वुमेन भी होंगे, कास्ट भी होगा, जो ये तय करेंगे वो होगा, सरकार नहीं। और इस टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती, मन मर्जी से किराए बढ़ा जाते, हर कोई उनको लूटने के लिए तैयार बैठा है और उनको तंग करने के लिए जो है सरकार का हर जो चक्कर है वो उनको परेशान कर रहा है। हम पिछली बार भी डीसी साहब से मिले थे, हमने उनसे निवेदन किया था कि टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग जो है सुचारू रूप से होना चाहिए। हमने कहा कि जो किराए बढ़े हैं उन किराए कम होने चाहिए क्योंकि ये तो दिहाड़ी लगी तो हो गया, नहीं है बारिश है तब कोई काम नहीं है, धूप है तो काम नहीं है, अगर कोई नवरात्र दूसरे त्योहार है कई ऐसे जिसमें लोग खरीदारी नहीं करते कोई काम नहीं है, तो ये लोग तो स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और इनका रोजगार को छीनने के लिए जो है या तरह तरह के जो एजेंसी है वो काम कर रही है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।